अब एक बात बताओ, डेट्स आपके हाथ में नहीं है ना? मेरे भी हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? प्रिपरेशन करना। अभी तक जो समय हमें मिला, यानी अभी तक तो एग्जाम हो जाना चाहिए था, राइट? तो अभी तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए थी ना, पूरी की पूरी। बट मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं हुई ना अभी तक भी। क्यों नहीं हुई, इस बारे में सोचना, क्या वजह रही जिस कारण आप अभी तक तैयारी, सिलेबस पूरा नहीं कर पाए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ हुआ, इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो भी। तो कमी कहां है, गलती कहां पे है? गलती है हमारी खुद की। एक्सेप्ट करो खुद की गलती। अनसर्टेनिटी सिर्फ आपके लिए नहीं है, आप जैसे लाखों एस्पिरेंट्स सभी के साथ सेम चीज हो रही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ये जो एडिशनल समय मिला हुआ है उस समय का सही फायदा उठा के सिलेबस का कंप्लीशन करते हैं, बुक्स की रीडिंग करते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं और अपनी प्रिपरेशन को, लेवल को इंक्रीज करते हैं, है ना? आपके पास भी ये ऑप्शन है। दो ऑप्शन है, एक तो फ्रस्ट्रेट होते रहना, परेशान होते रहना, टेंशन में रहना, और दूसरा है फाइट करना अपने ड्रीम्स के लिए। काफी समय से सपना देख रहे हो ना, कुछ स्टूडेंट्स 9th से, कुछ 10th से, कुछ 11th से सपने देख रहे हैं IIT में अच्छी रैंक लाने के लिए, एक अच्छे कैंपस में अच्छी ब्रांच के साथ पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो एडिशनल समय मिला है, इसमें माना प्लानिंग करने में थोड़ा सा इश्यू होता है, लेकिन एक टेंटेटिव प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करो। एवरीडे क्यों टेंशन लेते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा? अगर आपकी तैयारी पहले से बढ़िया हो गई, अगर आपने अपना बेस्ट किया, तो आपका परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा होगा ही होगा और आपका जो परसेंटाइल है वो पहले से बेटर आएगा ही।